हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक ब्लूटूथ स्पीकर को किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे पास देखिए यहाँ पर एक ब्लूटूथ है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि चार्ज करने के बाद भी ये ऑन नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पर इसको चार्जिंग शो कर रहा है बट इसे ऑन कर रहे हैं तो ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें बेसिक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इसका जो बैटरी है वो ख़राब हो चुका है। तो चलिए इसे हम पहले खोल लेते हैं। यहाँ पर इसका नेट लगा हुआ है, इसे खोल लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर में कुछ स्क्रू लगे होंगे। देखिए यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, इसे भी खोल लेते हैं। तो अलग अलग ब्लूटूथ में खोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसे खोलने का तरीका इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप देख लें कैसे इसे खोला जा सकता है अगर आपके पास इस तरह का ब्लूटूथ हो या रिपेयरिंग के लिए हो। तो देखिए स्पीकर के ऊपर का ये जो कवर लगा हुआ है, इसे कुछ इस तरह से हमें खोलना पड़ता है, जो कि दोनों साइड में इस तरह से लगा हुआ मिल जाता है। चलिए इसे फटाफट हम खोल लेते हैं। अभी हमारा खुल गया है, अभी काफ़ी आसानी से बाहर की ओर निकल गया। अब देखिए यहाँ पे दो स्पीकर है, एक सर्किट है किट। तो यहाँ पे देखिए चार्जिंग पॉइंट है, उसके बाद एक यूएसबी है जहाँ पे हम यूएसबी डाल के यूज़ कर सकते हैं और ये मेमोरी कार्ड डाल के यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पे दो कनेक्टिंग पिन है जहाँ पे एक स्पीकर के लिए है और दूसरा जो है वो हमारा बैटरी से कनेक्ट है। तो चलिए अब हम जो हमारा बैटरी है उसे खोल लेते हैं। यहाँ पे कुछ टेप लगा हुआ है, इसे हटा के साफ़ सुथरा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा बैटरी खुल गया है और यहाँ पे दो टर्मिनल आपको मिलेंगे, जो कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जो कि रेड है वो हमारा पॉजिटिव और जो ब्लैक है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर है। अब देखिए इसे बैटरी को करना होगा यहाँ पर डिस्कनेक्ट, उसके बाद हम बैटरी को करेंगे चेक। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को हमने 20 डीसी वोल्ट पे लगा रखा है। यहाँ पे चेक करने पे 0.03 और 4 के आसपास आ रहा है, मतलब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज बैटरी है। मल्टीमीटर जो हमारा है वो 20 वोल्ट डीसी पे यहाँ पे लगाया हुआ है। अब हमारे पास है सामने एक नया सेल या बैटरी कह सकते हैं, लेकिन ये सेल है। तो इस सेल का जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है इसे चलिए हम चेक करते हैं। हमारे जो मल्टीमीटर है वो 20 वोल्ट डीसी पे लगाया हुआ है, जहाँ पर यहाँ पर 4.3 के आसपास ये शो कर रहा है। तो ये हमारा जो सेल है वो पूरी तरह से चार्ज है, तो ये मतलब ओके कंडीशन में है। तो इस तरह से हम इसे चेक कर लेते हैं। अब इसे हम फिर से करेंगे इस पे कनेक्शन। इसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे स्क्रैच, जो दोनों साइड इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में कुछ इस तरह से हमें करना पड़ेगा स्क्रैच। स्क्रैच करने का रीज़न ये है कि यहाँ पर जो वायर कनेक्ट करेंगे वो अच्छी तरह से यहाँ पे लग जाए और ये जो कनेक्टिविटी है वो बढ़िया बने, इसके लिए यहाँ पे हम इसे लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हम नेगेटिव साइड में ब्लैक कलर का जो वायर है उसे सोल्डरिंग कर देते हैं। सोल्डरिंग करने के लिए यहाँ पे आपको सोल्डरिंग वायर, सोल्डरिंग पेस्ट और इस तरह से सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे ब्लैक साइड में हो गया, मतलब नेगेटिव साइड में, और ये हमारा रेड जो है पॉजिटिव साइड में। अब हम यहाँ पर इसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से इसे हमें सबसे पहले कनेक्ट कर लेना पड़ेगा और ये हमारा नया जो सेल है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे इसका स्विच है देखिए ऑन करने के लिए ब्लूटूथ का। तो इसे अब हम करते हैं ऑन और इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर इंडिकेटर आ रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है। तो ये हमारा बैटरी और पूरा सर्किट हमारा ओके हो गया है। इस तरह से ये वर्क भी कर रहा है। तो इस तरह से हम एक सेल को ब्लूटूथ में आसानी से चेंज कर सकते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा समस्या भी नहीं होता है। तो इसे बस फिट करने समय थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे इसका सॉकेट है जहाँ पे हमने किट को लगा दिया है और बैटरी का सॉकेट यहाँ पे है, तो इसे हमने यहाँ पर बैठा दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से धीरे धीरे करके फिटिंग कर लेंगे, जैसा हमने इसे खोलते समय किया था। तो फिटिंग होने के बाद इसे दोबारा हम एक बार चेक करके देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आप बैटरी को काफ़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से ब्लूटूथ का रिपेयरिंग बहुत ही आसान तरीके से होता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।